Welcome to Islamabad, particularly from for the officers who have come from Balochistan, Sindh and KPK. Mujhe umeed hai aap sardi enjoy kar rahe honge. And particularly Sindh wale last time bhi aaye the, bichare bade pareshan the. Bahut thand pad rahi hai. So today the topic we are going to share is really important, as said by Huma, and all of you are the magistrates, so you can understand better than me how much important this topic is, role of a magistrate in judicial system. मैं इससे पहले कि अपनी प्रेजेंटेशन का बकायदा आगाज करूं, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से चलना चाहूंगा. नॉर्मली तो मैं अपनी एक बिगनिंग से स्टार्ट करता हूं कि मजिस्ट्रेट की हिस्ट्री क्या है, कहां से हुआ, लेकिन पिछले हफ्ते इस तरह इत्तेफाक हुआ मुझे कि मैं केस मैंने किया और उस केस में चार मजिस्ट्रेट साहबान मेरे पास बतौर गवाह पेश हुए. इट वाज अ केस ऑफ नारकोटिक्स और उन चारों मजिस्ट्रेट साहबान ने या तो कन्फेशन लिखे थे मुलजमान के या स्टेटमेंट्स लिखी थी 164 की विटनेसेस. और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे हु वर प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एडिशनल सेशंस जज राइट नाउ. और मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक वो चीज जो हमें डे वन पे समझ आनी चाहिए और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हॉरिबल हैं हमारी नेग्लिजेंस की बुनियाद पे, हम अभी तक क्यों उन चीजों को समझ नहीं पा रहे. पार्टीज का फेलियर पे अगर कोई केस रिजल्ट आता है तो उसमें जज का कोई कसूर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टीज का फेलियर है, उनकी काम है. आवाज मेरी आ रही है आपको? ठीक आ रही है जी. और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैजिस्ट्रेट के रोल से किसी पार्टी को कोई प्रेजुडिस कॉज हो जाए और अल्टीमेटली केस एक्विटल हो जाए और जिसका ओनली रिस्पॉन्सिबल मैजिस्ट्रेट हो, जिसने एक प्रॉपर स्टेज पे प्रॉपर काम करना था ना किया हो, तो इससे बड़ा इनजस्टिस कोई नहीं हो सकता. पता नहीं आप लोगों ने वो 2019 की जजमेंट पढ़ी कि नहीं, जिसमें एक खोसा साहब ने एक मैजिस्ट्रेट को बुलाया जिसने आइडेंटिफिकेशन परेड की थी एंड द आइडेंटिफिकेशन वाज सो फॉल्टी एंड डिफेक्टिव कि इट रिजल्टेड इनटू एक्विटल ऑफ ऑल अक्यूज्ड ऑफ द केस एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस व्हेन ही वाज कॉल्ड. ही सिंपली सेड जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो प्रोसीजर का पता ही नहीं था. और अल्टीमेटली नुकसान कितना बड़ा हो गया. The accused of dacoity with murder were acquitted because of improper identification played. तो अगर मुझे अभी भी फोन आते हैं सारा दिन मुख्तलिफ जगहों से, तो कई लोग तो बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हैं, वो काम करने से पहले फोन करते हैं. बट जो लोग काम करने के बाद फोन करते हैं उनसे क्या, मैं फिर कहता हूं अब मुझसे आप ना पूछें तो मुनासिब ही होगा. हो सकता है मैं आपकी बात की तस्दीक कर दूं और अगर मैंने आपकी बात की तस्दीक ना की तो फिर आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे. तो आज मैं सिर्फ रोल ऑफ मजिस्ट्रेट के हवाले से मैं आपकी तरफ से चलना चाहूंगा. माशाल्लाह आप लोग मुख्तलिफ जगह से आए हुए हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एनी ऑफ यू और ऑल ऑफ यू कैन कमेंट शॉर्टली कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मजिस्ट्रेट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या हो सकता है. कैन एनी बडी कमेंट ऑन इट? या आप क्या समझते हैं कि आपको एज ए मजिस्ट्रेट वो कौन सी स्टेजेस हैं आप डिफिकल्टीज फील करते हैं? You want to speak, please. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. सबसे पहले जो मेन रोल हमारा स्टार्ट होता है वो है जुडिशियल रिमांड पे. जब हम किसी एक्यूज को जुडिशियल कर देते हैं उस वक्त अगर उसका मटेरियल नहीं है तो उसमें उसी स्टेज पे उसका देयर एंड देन डिसाइड करना चाहिए. रूटीन में जुडिशियल करने से उसके बाद वो कंसिक्वेंसेस शुरू हो जाते हैं और लास्ट पे एक्विटल का अगर केस बनता है तो वो फर्स्ट स्टेज है जहां पे हमें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए मेरे ख्याल में, रिमांड स्टेज पे. अगर जी दिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेज, रिमांड स्टेज तो इतनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे आपके डायमेंशन हैं एज ए मैजिस्ट्रेट टू सुपरवाइज मैनेज. जी सर, जब चॉइस डॉक्टर हो गए तो जबरदस्त जी सर, जब चॉइस फ्रेम करती है उस वक्त देखना चाहिए. ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो एफआईआर में वो प्रॉपरली ऑफेंस नहीं लगे होते, उस वक्त देखना चाहिए कि कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो लगाने चाहिए. वो तो हम बात कर रहे हैं ट्रायल की. जब हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रोल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द रोल दैट इज प्रायर टू द ट्रायल स्टेजेस सर. ठीक है, इस तरह इन्होंने कहा कि रिमांड का स्टेज है, अभी मैंने एक आइडेंटिफिकेशन पीरियड है 164 है, एनीथिंग एनी जी ब्रदर. 173 पे वाइल पासिंग द ऑर्डर फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस व्हिच इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट,
देयर मस्ट बी सम टेंटेटिव अप्रेजल व्हाट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज कलेक्टेड ऑफन व्हाट वी डू चालान इज एक्सेप्टेड एंड रजिस्टर्ड। आपका भी मामला ठीक है क्योंकि वो ट्रायल का पार्ट बन जाता है, कॉग्निजेंस का इशू, ठीक है ना। और कोई बात पार्टिकुलरली with one and other subject, but throughout the investigation the magistrate has vital role. And yes, that is a vital role. That means wo kaun se specific areas mein bataya chaliye 174 and 176 also sir, that is CRBC. Equally important ki wo administrative roles hain aapke juvenile aajkal bada important issue hai. theek ho gaya very good. chale देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्विकली लेके चलूंगा कि ये मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिन है ये कहां से आया, क्योंकि यू आर दी मजिस्ट्रेट यू मस्ट नो कि यार हमारी हिस्ट्री क्या है, हम कहां से चले और कहां पहुंचे, हमारे इर्तकाई मराइल क्या थे और हमारे अल्टीमेटली जो हम इस आज मुकाम पे पहुंचे कहां। एकेडमिकली यू मस्ट नो, कल को आप में भी कहीं प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है कि आप एनी बॉडी कैन आस्क यू यार आप मजिस्ट्रेट हो कैन यू टेल अस कि कहां से सिस्टम शुरू हुआ। तो क्विकली 5-10 मिनट के अंदर एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, फिर आई विल कम टू द टॉपिक। देखिए ये फर्स्ट सिनेरियो है आपके आगे रख रहा हूं मैं, रीड केयरफुली। ए यंग मैन, ए यंग बैंक ऑफिशियल नेम्ड ए इज अरेस्टेड बाय 2 पुलिसमैन विदाउट इवन बीइंग इन्फॉर्म व्हाई। ही इज अलेज्ड मर्डर ऑफ ए मैन अननोन टू हिम। ही इज आउटरेज्ड बट फॉल्स एविडेंस लेड मैलिशियसली प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्शन रिकॉर्डेड। Till his death, A does not get to know what is he being tried for. The invisible law, opaque court processes, police access, and the high-handedness of our criminal justice system. This is scenario one. Second scenario mein kya hota hai? G, a 6-year-old girl taken to a field, enticed with sweets, and then raped. Her delicate face smashed beyond recognition. Having been bludgeoned to death by bricks, her little feet chopped off from right above her ankles, she was wearing silver anklet which would not come off otherwise. Or second scenario, where the case was based on circumstantial evidence. X was acquitted by courts on all counts, primarily on account of grave lapses by the investigating oblique prosecution agencies. Number one. Non-examination of material witnesses and obliteration of vital evidence, the sheer agony of the court is palpable in the judgment. ये दो सिनेरियो आपके सामने हैं, you can understand. क्लियर होगी ना सिनेरियो आपको, चलते हैं आगे। अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या आया, ये सिनेरियो रखे हमने कि एक को तो पकड़ लिया आपने, उसको पता ही नहीं क्यों पकड़ा, उसको पता ही नहीं मैंने जुर्म क्या किया है, उसको पता ही नहीं कोर्ट में प्रोसेस क्या हुआ, अल्टीमेटली हैंग हो गया। और दूसरे में बंदा जो गिल्टी था, ठीक है, वो क्यों निकल गया, कि देयर वाज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ की होल्डर्स ऑफ द सिस्टम, कि मुझे पता ही नहीं कि जिस तरह आप मजिस्ट्रेट हैं, मैंने भी कहा कि आपको पता ही नहीं 164 आपने लिखना कैसे है, या तफ्तीशी उसको पता ही नहीं कि मैंने एविडेंस कलेक्शन क्या करनी है, और अगर करनी है तो उसका मेयार क्या होना चाहिए। तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली दोनों साइडों से आप देखते हैं। A was arbitrarily arrested, falsely prosecuted, and ultimately loses his life while the court remains obvious. Or conversely, G ka maine bataya ki the accused who brutally cut short her life went scot-free on account of glaring omissions in the investigation. So and so. In both the cases, it is not A or X who are at trial; it is us, the key players of criminal administration of justice. यानी कहना मैं क्या कह चाह रहा हूं कि द मोमेंट ए क्राइम हैज बीन कमिटेड, द एवरी प्लेयर ऑफ दिस सिस्टम, एवरी प्लेयर हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस गेम, ही हैज टू प्ले हिज रोल इफेक्टिवली, डेलिजेंटली, विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल पुलिस से शुरू होता है, पुलिस को स्टेट ने कहा कि हमने चूंकि गारंटी की हुई है कि देयर शैल बी नो वायोलेशन ऑफ द राइट्स विच वी हैव प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन और थ्रू अवर वट एवर द गारंटीज देयर। एक शख्स ने इंटरफेयर किया, उसने स्टेट की पावर, स्टेट की गारंटी को डिसलॉज किया, तो हम पुलिस को कहते हैं कि ठीक है, जिस दिन ये डिसलॉज होगा, वी आर द स्टेट, वी हैव टू प्रोसिक्यूट हिम, सो यू हैव द राइट टू इनिशिएट द लॉ इन टू मोशन। अब ये देखिए, अब एक जब पावर दे दी तो फिर स्टेट को ख्याल आया, नहीं
this power can be used, otherwise this power can be misused. तो हमने उसके ऊपर एक चेक रख दिया, इनिशियल चेक. अभी हम ट्रायल कोर्ट की बात नहीं कर रहे. ख्याल आया कि पुलिस जो है वन साइडेड है, पुलिस की एक्सेस हो सकती है, तो देन ए मजिस्ट्रेट वॉज ब्रॉट. इसीलिए भी आगे चल के बात करूंगा कि FIR की कॉपी पहले दिन मजिस्ट्रेट को क्यों भेजी जाती है. वाई नॉट टू द सेशन जज, हु इज द कमांडिंग पोजिशन इन द डिस्ट्रिक्ट. तो पुलिस को कह के साथ ही कहा जी अब आपका मजिस्ट्रेट का रोल स्टार्ट हो गया, लिहाजा अब ये चेक क्यों रखा. इन दो सिनेरियो जो आपको दिए हैं कि अगर एक प्रॉपर सुपरवाइजिंग अथॉरिटी इस चीज को वॉच कर रही होती कि क्या पुलिस अपना काम ठीक कर रही है, क्या मुल्जम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, क्या जो उसका राइट ऑफ नो है वो उसको अवेलेबल है, तो ये रिजल्ट ना आते जो हमने अल्टीमेट क्रिटिकल एनालिसिस की बुनियाद पर सामने रखे. ये हमारे की प्रेयर थे सारे, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजंस, प्रोसिक्यूशन, प्रोबेशन एंड पेरोल. हमारा चूंकि आज का टॉपिक मजिस्ट्रेट से है, तो वी ऑल आप देखें CRPC को अगर आप स्टडी करें तो कम से कम 899 जगह पे मजिस्ट्रेट का जिक्र आया. हो सकता है कुछ ज्यादा हो, कुछ ओमिट हो गए हो, लेकिन जो मेरी स्टडी है 899 प्लेसेस मजिस्ट्रेट का जिक्र आ रहा है. इसका जब मजिस्ट्रेट का जिक्र आ रहा है तो किसी रोल का जिक्र आ रहा है. ये तो नहीं सोचा खाली मजिस्ट्रेट लिख के आगे खाली सफा छोड़ दियो, लाइन ना लिखी हो. इट मीन कि जहां जहां मजिस्ट्रेट है वहां कोई ना कोई जिम्मेदारी के हवाले से बात हो रही है. इतनी दफा सेशन जज का जिक्र नहीं आया, एडिशनल सेशन जज का जिक्र नहीं आया. वो शायद 100 दफा आया हो, भी मैं कभी स्टडी कर लूंगा. लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब बार बार परसों सरीना ईसे ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, सुने आर्गुमेंट साहब ने, सरीना ईसा ने कहा कि उस जजमेंट के अंदर जिसमें मुझे सुना ही नहीं गया, मेरा नाम 89 मरतबा लिखा गया. आपको शायद आर्गुमेंट नहीं पता इस रिव्यू में, पढ़े ना उसे 89 मरतबा. मतलब उनको ये था मेरा 89 दफा नाम आने से मतलब कोई ना कोई बात मेरे हवाले से लिखी गई है, मंसूब की गई है या बताया गया और मुझे सुना नहीं गया. इसका अंदर जब आपका रिपीटेडली किसी जगह पर कोई नाम एग्जिस्ट करता है तो इट मीन कि आपकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो है. तो जब मजिस्ट्रेट ऑलमोस्ट 900 दफा CRPC में एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन हाउ इंपॉर्टेंट यू आर एंड योर ड्यूटीज. अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव हमारा आज का क्या है, इसको मैं क्विक कर देता हूं. ऑब्जेक्टिव कि हमने कितना प्रोएक्टिव होना है और हमने कितना अपने आप को इन्वॉल्व करना है, किस हद तक इन्वॉल्व करना है. ये नहीं कि मजिस्ट्रेट को अगर आपने सुपरवाइजरी पावर दे दिया तो इन्वेस्टिगेटर बन गया वो. नो, जिसका काम है करना उसी ने है. उसको मैं कितनी हिदायत दे सकता हूं, क्या मेरी लिमिटेशन है और कितना उसने एक्ट अपॉन करना है, ये एक अलग चैप्टर विच इज टू बी. तो हम अगर मजिस्ट्रेट को देखते हैं, मजिस्ट्रेट की हमें जो मिलती है सारी मिलती है इंग्लिश से, वो मैं उसको आगे चलता हूं. इज ए मजिस्ट्रेट, आई विल टेक इट क्विकली. मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी है CRPC में, इट इज नॉट ए वेल वर्डेड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू माई स्टडी. देन यू फाइंड इट अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट, मजिस्ट्रेट शैल इंक्लूड एवरी पर्सन, इट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जॉस्टिव. देन वी गो टू द लॉ, अपना डिक्शनरी मीनिंग, जो डिक्शनरी अपना जो वर्ड एंड फ्रेजेस में जाते हैं, तो उसमें सिर्फ इतना बता दूंगा क्विकली आपको लेके, मजिस्ट्रेट इज ए स्टैचुरी बॉडी हु हैज बीन असाइन द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज आफ्टर ए ट्रायल और इंक्वायरी वट एवर द पोजिशन इज. आपसे तो पूछे कौन मजिस्ट्रेट है, यही मजिस्ट्रेट मैं. इसका मतलब ये होता है कि लोगों के झगड़े मेरे पास आते हैं, मुझे अख्तियार किया है कि उन झगड़ों में समाप्त करने के बाद कानून के दायरे में आते हुए मैं एक डिक्लेरेशन दे दूं. सो आई एम ए मजिस्ट्रेट, दिस इज द सिंपल मीनिंग. एवोल्यूशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ये थोड़ा मैं आपको लेके जाना चाहूंगा ताकि पता लगे आपको मजिस्ट्रेट कितनी पुरानी टर्म है, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ. फर्स्ट टाइम रिचर्ड वन किंग ऑफ इंग्लैंड 8 September 1157 टू 6 April 1911 ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु अपॉइंटेड फर्स्ट कीपर ऑफ द पीस. ही वॉज कॉल्ड कीपर्स ऑफ द पीस. आज भी अगर आप एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट को पर्टिकुलरली देखें, उनके बहुत सारी जिम्मेदारी के अलावा एक यह है कि मेंटेनेंस ऑफ पीस. वो जाते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं, वो डायलॉग करते हैं, वो पुलिस को गाइड करते हैं, सारा कुछ. जस्टिस ऑफ द पीस एक्ट केम इन टू इफेक्ट इन 1361 वेल्स एंड इंग्लैंड में.
पहला लॉ है जिसमें ये अपॉइंट किए गए. द एक्ट परमिटेड ए जस्टिस ऑफ द पीस टू बाइंड ओवर पीपल हु डिस्टर्ब द पीस टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू इंश्योर. आज भी आपके पास ये पावर है. कहां पे है? 107 107 151 जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं 107 151 पंजाबी. ठीक है कि पार्टीज को पाबंद करना व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज एन एप्रिहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस. दीज आर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस. सम ऑफ देम आर फॉल्स ऑन जुडिशियल साइड. तो फिर आप क्या करते हो? उनको बुलाते हो? बुला के क्या करते हो? बाउंड करते हो. क्या बाउंड करते हो? यू शैल कीप द पीस. तो ये जो पीस की बात कर रही है आज, ये 200 साल पुरानी बात है, बल्कि ज्यादा शायद से ज्यादा पुरानी बात है बहुत. कि जब पहली दफा 1100 की बात हम कर रहे हैं, तो जब वो उसको किया गया, तो देयरफॉर वो जो बेसिक आइडिया था मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने का कि कीप पीस, उसके बाद उसमें मैंने कहा ना, उसमें अपडेट होती है पोजीशन, और अल्टीमेटली आज आप बहुत पावरफुल हो गए उस वक्त के मुकाबले में जब इनिशियली ये चीज स्टार्ट हुई थी. एवोल्यूशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज मैजिस्ट्रेट्स परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज इंक्लूडिंग. ये आज भी हो रहा है. देखें, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज एंड ब्रिजेस, रेगुलेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स. ये आज भी आपके पास लॉ भी है, आपकी पावर भी है. आप चूंकि जुडिशरी के अंदर है, शायद आप उस अंदाज से पावर ये इस्तेमाल नहीं कर रहे जो एग्जेक्टिव साइड पे होती थी. मौके पे चले जाना, छापे मारना, पकड़ना, मौके पे जुर्माने करना. बट स्टिल दिस कॉन्टिन्यूज. देन यू सी, एज द नीड फॉर ए प्रोफेशनल पुलिस फोर्स बिकेम एपेरेंट, सो टू डिड द नीड फॉर ए मोर डाइवर्स एंड प्रोफेशनल मजिस्ट्रेट. मैंने ये भी क्या कहा था आपको, जब आप दुनिया का निजाम उठा लें, वेन एवर द पावर इज गिवन, देयर इज ऑल्सो ए चेक जरूर रखा जाता है उसके ऊपर. कोई बंदा एक्सेप्शन पे नहीं फॉल करता, किसी ना किसी अंदाज से ही इज टू बी चेक्ड. कोई अथॉरिटी भी उठा लें आप, उसकी चेक एंड कोई ना कोई सूरत हाल मौजूद है. जब बना फर्स्ट पेड प्रोफेशनल मजिस्ट्रेट 1813 में, पहला पेड प्रोफेशनल मजिस्ट्रेट वेल्स एंड इंग्लैंड में जो है हमें मिलता है जो हुआ. इन 1835 द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एनेबल बोरोस टू रिक्वेस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पेड और स्टिपेंडिटरी मैजिस्ट्रेट. वजीफा मिल गया. अब ये ग्रेजुअली मैजिस्ट्रेट्स जो है ना हो रहे हैं. अब अगर हम एंशियंट रूम की तरफ चले आए, मैजिस्ट्रेट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड प्रोफेशनल जस्टिस जुडिशियल एग्जेक्टिव पावर. चाइना में जाएं तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया. इन अदर ज्यूरिसडिक्शन इंग्लैंड वेल्स मजिस्ट्रेट में भी वॉलंटियर्स विदाउट फॉर्मल. आज भी अगर आप जाए ना यूके में, अगर आप लोग में से कोई गए हैं और कभी स्टडी करें, मैंने तो किया सारा इसको, दे वॉलंटियर. वो नहीं है कि इम्तहान देंगे मजिस्ट्रेट बनेंगे. और वो एक होगा, जो लोग वॉलंटियर करते हैं, जो एक क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो स्टेट बगैर किसी मुआवजे के आफ्टर मेकिंग सर्टन जो भी उनके पैरामीटर करने के बाद कहती है आइए और आइए आप मजिस्ट्रेट को, जो पेटी ऑफेंसेज होती है उनके लिए वो करते हैं. इनफैक्ट इट इज अ सर्विस टू द नेशन बाय दोज पर्सन हु आर क्वालिफाइड एंड दे डोंट नीड एनी मनी. देन यू सी वुमेन मजिस्ट्रेट, खवातीन बैठी है हमारी, दे मस्ट नो 1919 से पहले इवन इंग्लैंड और वेल्स के अंदर भी देयर वाज द लॉ, नो वुमेन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मजिस्ट्रेट. सो दिस वॉज द सेक्स डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल एक्ट 1999 इंग्लैंड में बिकेम लॉ. द फर्स्ट 7 वीमेन वर अपॉइंटेड एज मजिस्ट्रेट बाय द लॉर्ड चांसलर्स ऑफिस 1919 में. और शी वॉज द एड जैन सेमर्स, शी वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ पीस, एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल काउंसलर मेयर. अब ये देखें आज तक हम चलते चलते चीजों को मेच्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं. ब्रिटिश राज में अगर आप आ जाएं, अब यहां से निकल के अपने इंडो पाक पे आ जाते हैं, यू कैन सी मजिस्ट्रेट वर यूज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इन कॉलोनियल ईरा. आज भी आप देखिए क्या कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मॉब कटा जाता है, जाके डायलॉग करता है, लोगों को परसुएड करता है, लोगों को एंगेज करता है, ठीक है, समझाता है कि ये नहीं होना चाहिए, यही हो रहा है कि नहीं, ये एडवांस क्यों है. दे हैड टू एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन लेटर स्पीड, दे वुड लैंड पावर एंड सो एंड सो सो एंड सो. तो ये तो एक हल्का सा बैकग्राउंड था. वी आई विल टेल यू कि कहीं 200-300 साल पहले से ये काम शुरू हुआ,
इर्तकाई मराहल से गुजरता हुआ आज इस मुकाम पे है कि एक मजिस्ट्रेट एक बहुत पावरफुल स्टैचुरी बॉडी बन चुका है. सो नाउ वी कम टू द रोल ऑफ मजिस्ट्रेट राइट नाउ जो हमारा टॉपिक है. आपके पास दो इख्तियार है, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो बहुत सारी बातों में चीजें भी थी, देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जेक्टिव. और इसी डेट दी गई, बड़ी शॉर्ट सी डेट दी गई, लेकिन आप हैरान होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बावजूद डिकेड्स लग गए एंड सेपरेशन वॉज नॉट पॉसिबल. पहले क्या था, इवन सुप्रीम कोर्ट को 1985 में जजमेंट देनी पड़ी, टारगेट डेट हुई, लेकिन अल्टीमेटली वी केम इन 2000 व्हेन जी डेवोल्यूशन वॉज मेड इन पाकिस्तान. जब डेवोल्यूशन हुई तो उसमें 2000 में जाके पहली बार सेपरेशन हो गई जुडिशरी की एग्जेक्टिव से. पहला जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट था क्या वो गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा था, वो मेरा भी नुमाइंदा था. अब अगर आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आप सारे माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हैं, आज भी जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है वो आपकी बात ज्यादा सुनता है या डीसी की बात ज्यादा सुनता है? वो सेक्रेटरी की बात सुनेगा, मिनिस्टर की बात सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा. तो जब आप एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट भी हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हैं, हमने अपनी आंखों से बतौर प्रैक्टिस एज एडवोकेट ये देखा कि ऊपर से जो ऑर्डर आता था मजिस्ट्रेट वही एक्ट अपॉन करता था. उसको किसी के खिलाफ झूठा पर्चा हो गया तो उसने उसको जेल भेज दिया, किसी के खिलाफ कोई और हरासमेंट कॉज कर दिए. सो देर वॉज नो ट्रांसपेरेंसी विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स. इसलिए इस पर फोकस हुआ और 2000 में जाके अब क्या हुआ कि सारे का सारा बोझ आपके ऊपर ट्रांसफर हो गया. जी सर, क्वेश्चन ये है कि जनाब को पता भी है कि ये हमारी बात को वेटेज नहीं देते हैं, देन फिर हम एग्जेक्टिव से स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों लेते हैं उनसे? क्या हमारे पास नहीं है बंदे कि हम वो काम करवा सकें जबकि वो हमारी बात सुनने को तैयार भी नहीं होते? देखिए ये अब चूंकि इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करता कि लॉ में ये प्रोवाइडेड है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रोविजंस. मैं तो खुद इसके खिलाफ हूं, मैं खुद इसके खिलाफ हूं कि जितने भी एसजेएम इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, बात फिर वही आ जाती है हाउ मच सिंसियर दे आर विद द सिस्टम, हाउ मच दे आर सिंसियर विद द राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड और द पार्टीज टू द केस. रिफॉर्म्स बहुत सारी हो रही है, इन चीजों पर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है. आई एग्री विद यू व्हेन यू से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इट मीन्स के जो मैजिस्ट्रेट है जिसने एक रोल एक्सरसाइज करना है अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ही शुड बी द पार्ट ऑफ जुडिशरी इन ऑल रिस्पेक्ट एंड नॉट द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं ये होना चाहिए. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके कर्ता धर्ता और है, उनको पूछने वाले और हैं. इवन हाईकोर्ट भी उसको फर्क नहीं कर सकती, मुझे कर देगी आपको कर देगी. ठीक है, ये तो बड़ों के सोचने की बातें हैं ना, और बड़ों के सोचने की बातें इसलिए आज से हैं कि कानून में होने के बावजूद इख्तियार तो हाईकोर्ट का है, वो ना अप्रूव करे क्यों लगाते हैं एसजीएम. अब मौजूदा चीफ साहब जो लाहौर के हमारे हैं, उन्होंने सारी पावर विड्रॉ कर दी. रावलपिंडी के आपने केस देखे होंगे, विड्रॉ ऑल दी, उन्होंने कहा किस किस कानून के तहत जनाब आप कर रहे हो, और उन्होंने हाईकोर्ट से पूछे बगैर पावर डेलीगेट कर दी कई जगहों पर, तो जुडिशियल पावर्स तो मैटर अंडर प्रोब. तो लॉ होने के बावजूद पावर लाइज विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, मैनेज कर देंगे चीजों को. सो देयरफॉर बहरहाल इसमें अगर लॉ भी मैनेज, इट्स वेरी गुड. तो एडमिनिस्ट्रेटिव और 2000 में फिर जाके अल्टीमेटली सारे का सारा जब बोझ आप पे आया तो पोजिशन वॉज वेरी अलार्मिंग. उस वक्त तो पता नहीं आप लोग कितने लोग 2000 में मजिस्ट्रेट होंगे नहीं होंगे, बट वी हैव सीन इट. एकदम से सारा बोझ उठ के आपके ऊपर आ गया. अब जब आपके ऊपर बोझ उठ के आया, यू वर एक्सपोज टू द पब्लिक. अब उस एक्सपोज का नुकसान क्या हुआ, हमें बड़ा एक क्रिटिसिज्म केस करना फेस करना पड़ा, क्योंकि नंबर वन हमारे मैजिस्ट्रेट उस लिहाज से ट्रेन नहीं थे, क्योंकि सारे काम उनके पास आ गए. नंबर टू जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है वो इतना इंक्रीज कर गया, जो एक मैजिस्ट्रेट एक दिन में 50 केस कर रहा था उसको 200 केस करने पड़ गए. जब क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो क्वालिटी इफेक्ट हो गई, जब क्वालिटी इफेक्ट हो गई तो बाहर शोर मच गया. बहरहाल ये एक चैलेंज था जो एक्सेप्ट हुआ, और राइट नाउ माशाल्लाह आप लोगों ने प्रूव करके दिखाया कि नहीं हमने चले एक्सेप्ट किए. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें खत्म होती चली गई. बहरहाल
बहादुर केस की मुझे आपको पहली दफा एक अच्छे तरीके से बात मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर गया डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज का और कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का, तो वहां पे फर्स्ट टाइम ये तय किया गया कि आपके कौन से एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और आपके कौन से एक्शन जुडिशियल हैं। क्योंकि झगड़ा यह पड़ गया था बहादुर केस में कि जब मुल्जम डिस्चार्ज हुआ तो उसके खिलाफ रिविजन चली गई सेशन जज के पास, तो क्वेश्चन ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में गया कि क्या रिवीजन लाई करेगी, बिकॉज रिवीजन लाई अगेंस्ट जुडिशियल ऑर्डर एंड इफ ए मैजिस्ट्रेट परफॉर्म्स ड्यूअल ड्यूटीज वन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वन जुडिशियल सो देयर इज नो रिवीजन अगेंस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये क्लियर किया कि मैजिस्ट्रेट की परफॉर्मेंस जो है उसमें ये दो फेस फॉल करते हैं, सो वेन एवर यू डील ए क्वेश्चन विच हैज बीन सब्जेक्टेड बिफोर यू You must see that it was an administrative action or it was a judicial action. अब जिस तरह हमने बात की, यहां से एक दोस्त ने बात की, अब हमारा 174 की पावर है, हमारी 176 की पावर है, जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इंक्वेस्ट करनी है, बंदा जेल में फौत हो गया है, टॉर्चर हो गया एक मिनट के लिए, वो भी एक बड़ा डिबेटेबल है कि कौन से केस 176 में फॉल करते हैं या 174 में करते हैं, कौन से नहीं करते, कहां हमें जाना है कि नहीं जाना, कि पुलिस टॉर्चर में थाने में बंदा मर गया, देयर इज नो रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट, जेल में बंदा मर गया, देयर इज नो रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है वो और मामला थे जहां पे बार उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो दो आपकी पावर्स आ गई जनाब, एग्जेक्टिव और मजिस्ट्रेट की, मजिस्ट्रेट्स एज प्रोटेक्टर ऑफ वाइस, ये मैंने आपको सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव, जुडिशरी इन्फ्लुएंस विद पब्लिक कोर्ट ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट, इज इट, सबसे पहले मैंने कहा ना जो मसला होगा एफआईआर होने के बाद सबसे पहले आपकी आंखें मजिस्ट्रेट की तरफ होंगी, वो अलग बात है वो उसमें कोर्ट सेशन जज भी इन्वॉल्व होता है लेकिन वो जुडिशियल मैटर की हद तक इन्वॉल्व होता है। खातून का मेडिकल करवाना है कहां जाएंगे पहले, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, रिमांड लेना कहां जाएंगे, शनाख्त प्लेट करनी है कहां जाएंगे, कन्फेशन लिखना कहां जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास, कोई नमूने लेने हैं कोई सारा, एवरीवेयर मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट। तो फर्स्ट रिजॉर्ट शिफ्ट टूवर्ड्स ए मोर सो एंड सो, ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं इसको क्विकली लेके इसको भी स्किप करते हैं, व्हेन रोल ऑफ मजिस्ट्रेट स्टार्ट्स, अब ये आ गई बात आपकी, मैंने कहा ना जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है पुलिस रूल्स एंड हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स क्लियरली से, पुलिस रूल्स ये कहते हैं कि इसकी चार कॉपीज बनेंगी, फलां फलां को जाएगी, एक कॉपी मजिस्ट्रेट को जाएगी, और हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर ये कहते हैं कि जब आपको एक कॉपी मिलेगी यू हैव टू स्टैम्प एंड साइन, क्या ये एक फॉर्मेलिटी है डॉक्टर साहब, क्यों क्या वजह है इसकी जी, तारीख नहीं, आपको कॉपी आ गई, हम में से कितने लोग हैं कॉपी के बाद कोई एक्शन करते हैं सिंपली रख देते हैं उठा के, ईमानदारी से बताइएगा, रख देते हैं ना, इसका मतलब यह है कि कानून ने कोई ना कोई तो वजह रखी थी भाई, अगर हमने उसको सिर्फ एक स्टैम्प लगा के सीन करके रखना है, एक तो कानून यह था पुराने जमाने में चूंकि मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेट ड्यूटी करते थे तो उनको पता होना चाहिए उनके इलाके में जुराइम की शरह क्या है, किस किस नेचर के क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, डकैती है मर्डर है, उनको कैसे वीट आउट करना है, एक तो वजह यह होगी, लेकिन आज अब उस जगह पे नहीं है, लेकिन आपके पास आने की आप कभी सोचें कि क्यों मुझे कॉपी भेजी जा रही है, व्हाई नॉट टू द सेशन जज हु इज माई कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु इज माई इमीडिएट बॉस, कभी सोचा, सोचना चाहिए जी ब्रदर, क्योंकि मैजिस्ट्रेट अपने थाने की हद तक सुपरवाइज्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सर, नहीं वो तो सारों ने कह दिया जी मैडम, कुछ आप फरमा रही थी, मैजिस्ट्रेट का सुपरवाइजरी रोल होता है, उसको चेक रखना चाहिए कि कौन कौन से जुर्म हो रहे हैं, तो ये हो गया, और किस तरह इनको मतलब खत्म करना चाहिए। अच्छा चलान सर मजिस्ट्रेट ने मंगवाना होता तो वो देखेगा कि ये आया कि नहीं आया, जो है मिस्टर सिफतुल्ला हासिलपुर, वेल डन, वेरी गुड आंसर, दिस आई वांटेड टू एक्सपेक्ट, बाकी सारी बातें छोड़ दें, सारी बातें छोड़ दें, बाकी 344 भी छोड़ दें, अभी आपकी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है जिस पे आपको नोटिस हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन किया मिनिस्टर के खिलाफ कि चलान 14 दिन में सबमिट क्यों नहीं हुआ, अब 14 दिन में आप सबमिशन कैसे इंश्योर करेंगे, वेन यू हैव द इंफॉर्मेशन, इफ यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ एफआईआर हाउ इट विल कम टू नो के थाने में बजाय आप क्या करते हैं 2 महीने बाद मीटिंग कॉल करते हैं, ले आओ जी कितनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है,
تین مہینے بعد چھ مہینے بعد اچھا او ہو یہ تو فلاں دے کے ایف آئی آر ہے بھائی آپ نے چلان کیوں سبمٹ کیا سر اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو تو کاپی آئی ہوئی تھی آپ نے اس وقت ایکشن کر کے کیوں نہیں بلایا چودہ دن بعد ایس ایچ او کو کہ بتاؤ یہ ایف آئی آر آئی تھی میرے پاس اور آفٹر 14 ڈیز یو آر باؤنڈ ٹو سبمٹ اے رپورٹ کمپلیٹ اور انکمپلیٹ ویئر از دیٹ کتنے لوگوں نے کیا سمجھے ان چیزوں کو ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں مطلب میں اے ٹی سی میں تھا سرگودا میں تو آپ کی پاور میرے پاس اے ٹی سی میں یہ پاور مجسٹریٹ کے پاس جو تھی وہ اسپیشل کورٹ کے پاس دی مومنٹ آئی ہیڈ ٹو ریسیو دی ایف آئی آر آئی امیڈیٹلی ٹو کال دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر بتاؤ جی کیا پروگرس انویسٹیگیشن میں یہ مجھے چلان کی سبمیشن چاہیے قانون کے مطابق اچھا جی ملزم گرفتار نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے تو بھائی آپ نے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیا ہیو یو پروسیڈڈ ٹو ورڈز دیئر ڈکلریشن ایز کاؤنٹر نہیں جی میں نے کہا نہیں آپ یہ کام کریں اب یہ انٹرفیئرنس انویسٹیگیشن میں نہیں ہے اٹ واز اسٹیچوری آبلیگیشن آن دی پارٹ آف پولیس آفیسر کہ ایک شخص ریسٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے کورٹ سے وارنٹ لینا ہے اور لے کے آگے پروسیڈ کرنا سر سم ٹائمز اٹ از پرزیومڈ ٹو بی دی انٹرفیئرنس ود ان دی انویسٹیگیشن دیکھیے ہم نے پرزمپشن پہ نہیں چلنا بٹ دی آنریبل ہائی کورٹ اینڈ دی سپریم کورٹ دے آر سیئنگ وین دی سپریم کورٹ اینڈ دی ہائی کورٹ کین ناٹ انٹرفیئر ان ٹو دی انویسٹیگیشن ہاؤ ڈے یو ڈو دیٹ ہیئر دی تھنگ از وی ہیڈ ٹو ریمین کانشیس Okay, we received the FIR, we put our signature there on and we fixed that within the 14 days for the submission of the challan. That is what we are doing at the moment. Ji, Mr. But we are not calling the investigation officer. Ajaz Ali Chang. Mr. Chang, you have absolutely said so, but you must know demarcation between interface and investigation and to ask statutory body to perform in accordance with law. These are two different things. There must be demarcation. Let the High Court, Supreme Court say, they have rightly said, when you play the role of complainant or the accused instead of an independent entity or body, then of course it shall be said that you are interfering in the investigation. But if you call the SHO and ask him, why gentleman, what is the progress in the investigation? Is it interference? You never saying him go and arrest anybody. You never say go and record such a statement. You say, gentlemen, after the FIR, you are bound to submit a report within 14 days. And you have three accession days. I respectfully agree with your contention. But the thing is that sometimes if the police officials or the accused persons who are nominated in that FIR, they are that much influential that they can easily approach to the High Court and the Supreme Court, even some of the judges. That is what the negative aspect of our society is. So if the magistrate calls the investigation officer or for that matter the SHO to come up with the record of this FIR, why you have not arrested the accused person so far? So they straight away, without answering us, they straight away go to the Honorable District and Session Judge, sir, we are being compelled. Ya main aapko samjha nahi pa raha ya shayad kahin communication gaya pa. Okay. Dekhiye, main aapse kya keh raha hu. اگر تفتیشی افسر آگے کہتا ہے جی میں ان کو اریسٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایویڈنس اس قابل ابھی نہیں ہے نو یو ہیو نو اتھارٹی ٹو سے ہم گو اینڈ اریسٹ بٹ ہی سیز کہ جناب میں کوشش کر رہا ہوں بندے ٹریسیبل نہیں ہیں پھر کیا ہوگا یو کین سی اگر ٹریسیبل نہیں ہے تو قانون یہ کہتا ہے یہ کام کرو تم کرو بس ختم آپ یہ نہیں کہہ رہے گرفتار کرو ٹھیک ہے آپ نے کہنا جی قانون نے رکھا ہے کہ انکمپلیٹ اور کمپلیٹ بڑا وزڈم ہے اس کے اندر بھائی انکمپلیٹ آپ اس لیے کر دو کہ آپ کے پاس ایک رپورٹ آ جائے آپ دیکھو میں نے انکمپلیٹ چلان پہ کیس پروسیڈ کرنا ہے کہ نہیں میں نے مجھے پوچھنے والے بیٹھے ہیں کہ 17 دن بعد چلان نہیں آیا سب سے پہلے میں سیشن جج کو جواب دینا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ میں میٹر اٹھ گیا تو میں نے حکیم ممتاز کیس کسی نے پڑھا ہے تو پڑھ لے اس حکیم پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ پیج 471 یا 570 اس طرح کچھ ہے ویری فیمس کیس آپ پڑھ لیں اس میں کیا کیا تھا اس میں تو کچھ نہیں کیا تھا اس میں صرف پرابلم یہ تھی کہ مجسٹریٹ نے 14 دن کے اندر چلان کی انشورنس کیوں نہیں کی دیر واز نو کوشچن ود ریگارڈ ٹو انٹرفیئرنس ان دی انویسٹیگیشن اس میں ایڈیشنل سیشن جج بھی گیا بیچارہ اس میں مجسٹریٹ بھی گیا اس میں پروسیکیوٹر بھی گیا ایس ایچ او بھی گیا ڈی ایس پی بھی گیا انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی گیا آل دیور ہیلڈ فار اونلی فار دس ریزن تو یہ جب آپ اس کو بلاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو یہ ہدایت جاری کرنی ہے انویسٹیگیشن اس طریقے سے کرو وہ اس کا پریوریٹیو ہے اس پہ آپ انٹرفیئرنس نہیں کرو گے کہاں تک کرو گے بات آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو
लेकिन आपका ये कहना भाई आपने 14 दिन में चलान लाना है, ठीक है ना, हमने ऐसे केस देखे 6-6 महीने बाद जब हमने मंगाया तो पता लगा उसने तो बस एक जिमनी लिखी और उसके बाद फाइल पड़ी है, ना किसी मजिस्ट्रेट के पास गया वारंट लेने के लिए, ना कहीं गया। देखे ना, लॉ ने एक प्रोसेस बताया है कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है, अगर गिरफ्तार करना है और वो गायब हो गया तो लॉ कहता है आप उसके वारंट ले लें, लॉ कहता है उसका प्रोक्लेमेशन ले लें, लॉ कहता है उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दें, ऐसे ही कहते हैं। अब ये स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट इंटरफेरेंस इन द इन्वेस्टिगेशन। जस्ट मिनट, सो आई कंक्लूड दिस कि वेन एवर यू कॉल दिस हैव टू बी सीन बाय यू कि कहां पे मैंने कौन सी डायरेक्शन देनी है, कहां डायरेक्शन रीजनेबल है कि नहीं है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा था आपसे कि कॉपी ऑफ FIR का आना इनफैक्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज विद अ पर्पस, विद अ विस्डम।